मानसिक सेवा का बड़ा महत्व, बड़ी महिमा है। ऐसे ही नहीं, बड़ी महिमा। आप कहीं भी अवस्थित हो जाए, माना आप किसी मंदिर में नहीं है, अपने घर में अवस्थित नहीं है, परंतु आपको भगवान की सेवा करनी है, तो एक ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने मानस में ध्यान करें कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं, भगवान को चंदन लगा रहा हूं, भगवान को भोग लगा रहा हूं। वस्तुतः मानिए वह सेवा स्वीकार होती है, भगवान उस सेवा को अवश्य स्वीकार करते। हमारे आचार्य पीठ के निकट कृष्णगढ़ है, उस कृष्णगढ़ के नरेश की बड़ी सत्य घटना है, अधिक समय के नहीं है, 100-150 वर्ष पूर्व की घटना है। कृष्णगढ़ नरेश भगवान की निरंतर स्वयं अपने हाथों से नित्य प्रति सेवा करते थे। एक दिन किसी विशेष कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ा, चलते चलते रात्रि के पश्चात प्रातः काल का समय हो गया, तो अपने अश्व पर बैठे बैठे ही मानसिक सेवा उन्होंने प्रारंभ कर दी। सत्य घटना है कृष्णगढ़ की, जिसे किशनगढ़ कहते हैं। तो राजा अपने अश्व पर बैठे बैठे मानसिक सेवा प्रारंभ कर देते हैं, भगवान को स्नान कराया है, भगवान को पुष्प अर्पण किया, पत्र अर्पण किया, और मानसिक सेवा के अंतर्गत ही भगवान के लिए सुंदर भोग बनाया हुआ। और भोग में क्या बनाया, कढ़ी चावल फुलका साग, और वो बनाकर अपने हाथों में लेकर रसोई से भगवान के मंदिर की ओर जा रहे हैं। ठीक उसी समय जहां गंतव्य पहुंचना था वो स्थान आ जाता है, उनके सेवक आकर राजा को कहते हैं कि राजन उठिए उठिए, उस स्थान आ गया। इतने में उनका ध्यान भंग हो जाता है और उनके हाथों से मानसिक सेवा के अंतर्गत जो भोग लगा रहे थे वो थाली छूट जाती है, थाली मानसिक सेवा में छूटती है, परंतु वो कढ़ी और चावल उनके वस्त्रों पर उसी समय साक्षात में गिर जाते हैं। वो वस्त्र आज भी रखे हुए हैं गढ़ में, कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, वो पोशाक उनकी आज भी ऐसी की ऐसी रखी हुई। तो मानसिक सेवा का इतना बड़ा प्रताप है, इतनी महिमा है। इसीलिए नवदा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, अर्चन भक्ति को लिया है। जो मानसिक सेवा करता है उसकी सेवा भी स्वीकार है।